नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। खबर है टीकमगढ़ के मोहनगढ़ से, जहां 10 दिनों से नहीं आ रहा नल, ग्रामीण बूंद बूंद पानी को हो रहे परेशान। मोहनगढ़ में 10 दिन से नल नहीं आ रहा, नल जल योजना बंद पड़ी हुई है। ग्रामीण मजबूरी में पी रहे गंदा पानी, जिससे हो रहा है बीमार। ग्रामीणों ने जिस समिति के द्वारा नल जल योजना का संचालन किया जा रहा है, उस समिति के अध्यक्ष पर लापरवाही का ग्रामीणों ने लगाया आरोप। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से कभी कभार ही आते हैं नल, अभी बरसात में 10 दिन से नल नहीं आ रहे हैं, जिससे ग्रामीण गंदा पानी पी रहे हैं। प्रशासन ने साफ और शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए लाखों रुपये से मोहनगढ़ में नल जल योजना चालू कराई थी, जिसका संचालन एक समिति के द्वारा किया जा रहा था। कहाँ के निवासी? मोहनगढ़। आप इस हेड पंप से पानी भर रहे हो, निकल नहीं रहा, क्यों भर रही हो? नल ही नहीं दे रहे। कितने दिन से नहीं आए? 10 या 15 दिन। फिर कैसे काम चल रहा है? यही खराब पानी पी रहे हैं। इससे बीमारी नहीं आ रही? आ रही है। कहा नहीं है, नल कौन चलाता है? नल राम चतुर्वेदी। उनसे कहा आप लोगों ने? हाँ, भ्रष्टाचारी मची है। जब इस बारे में मोहनगढ़ के सरपंच से बात की गई, तो सरपंच ने कहा कि यह नल जल योजना एक समिति के द्वारा चलाई जा रही है, जिसकी अध्यक्ष भाजपा नेता रानू चतुर्वेदी की पत्नी हैं। उनके द्वारा ग्रामीणों के नल के बिल उगाहे जाते हैं, मगर आज तक जो विद्युत कनेक्शन है, जिससे नल जल योजना की मोटर चलती है, उसका एक रुपया बिल जमा नहीं कराया गया है, जिससे विद्युत विभाग ने मोटर का कनेक्शन काट दिया है। समिति के अध्यक्ष के द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों से नल के बिल की वसूली कर पैसे को अपने घर में रख लिया जाता है, एवं मोटर का विद्युत बिल जमा नहीं किया जाता। मैंने कई बार अध्यक्ष से इस बारे में कहा कि आप ग्रामीणों को समय पर पानी उपलब्ध कराइए, तो वह हमें अपनी ऊँची पहुँच का भय दिखाते हैं। मैंने कहा था कि अगर आप नल का संचालन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो यह योजना ग्राम पंचायत के हैंडओवर कर दीजिए, जिससे ग्रामीणों को पीने के पानी की सही व्यवस्था हो सके। जी, नल योजना है समिति के नाम। अच्छा। रानू चतुर्वेदी की पत्नी है उनकी। हाँ। अध्यक्ष जी वो ही चलाते हैं जी। 5 साल से वो ही लिए हैं, उन्होंने बिल नहीं दिया। अच्छा। तो बिल बिजली वालों ने बिल का नल का बिजली काट दी, इसलिए नल नहीं आ रहे। वो पैसा उगाते हैं, पंचायत का कोई रोल ही नहीं है इसमें। और पंचायत ने मांगे भी एक दो बार है। हाँ। तो धमकी दवा दी दूसरा से, नहीं तो वे देवे हमें। हाँ। हम चलाएंगे जी, और बाकी नल बराबर आएंगे, बिल जरूर जमा करवाएंगे। इनने बिल उगाया है। हाँ। तो जो डरा है 1.25 लाख रुपया बोते ही। अच्छा, उगाया है लेकिन जमा नहीं किया? नहीं किया, एक भी रुपया नहीं किया कभी जमा। अच्छा। भाई, तो आप अपन क्या करेंगे उसमें? हमारे पंचायत के नाम होता हम चलाते, हम भी तो गाँव वालों के हितैषी है ना। हम खुद पानी के लिए छाले हो रहे हैं मुंह में, क्या करें? जब इस बारे में विद्युत विभाग के OIC से पूछा गया कि आपने नल जल योजना का कनेक्शन क्यों काट दिया, तो उनका कहना है कि इस समिति के अध्यक्ष के द्वारा आज तक बिल जमा नहीं किया गया है। इस समिति के ऊपर विद्युत विभाग का करीब 1.25 लाख रुपए बिल बकाया है, जिससे विद्युत लाइन काट दी गई है। इसलिए है कि उस वाटर सप्लाई कनेक्शन पर लगभग 1.25 लाख रुपए बाकी है। संपर्क समिति लोगों से हम लोगों ने निवेदन किया है कि इसका भुगतान करें। लगभग 2 साल से उन्होंने बिजली का भुगतान नहीं किया है। बार बार निवेदन करने के बाद भी इसलिए उस कनेक्शन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, और फिर भी निवेदन किया गया कि शीघ्र इसका भुगतान करें, जिससे हम पंप को चालू कर सकें। जब इस नल जल योजना के बारे में अध्यक्ष से 10 दिनों से नल न आने का कारण पूछा, तो उनका कहना था कुछ ग्रामीणों ने नल जल योजना के जो कनेक्शन दिए थे, इसका बिल जमा नहीं किया है, जिससे विद्युत विभाग ने मोटर का कनेक्शन काट दिया। ये बात सही है कि कुछ दिन पहले विद्युत विभाग वालों ने बिजली का कनेक्शन काट दिया है। समिति करीब 7-8 वर्षों से नल जल योजना के माध्यम से जल सप्लाई का काम कर रही है, और लगातार लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक बिल जमा नहीं किया था, तो उनके लिए नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे वसूली की जा रही है। ये सही बात है, जैसे हम लोगों की वसूली इकट्ठी हो जाएगी, हम लोग बिल जमा करके सप्लाई चालू करवा देंगे। ये बात सही है, बीच बीच में समिति के पास कोई बीच का फंड तो है नहीं, कहीं से सरकारी कोई मत नहीं है ना कोई फंड है, इसलिए जो भी राशि वसूल की जाती है, जो भी किराया राशि
नल जल समिति को आती है वो भुगतान से वसूल की जाती है। कई बार क्या होता है बीच बीच में मोटर खराब हो जाने के कारण उसका बैलेंस गड़बड़ा जाता है, इसलिए बिल जमा नहीं हो पाया। कई ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने कई मतलब कई दिनों से कई महीनों से बिल जमा नहीं किया, इसलिए उनके साथ उनको नोटिस जारी किए गए हैं, उनसे वसूली कर रही है समिति। अगर ये बात सही है 10 दिनों से लोग परेशान हैं, मैं सरपंच से बात करता हूँ इस संबंध में। सरपंच से बात करने के बाद मैं लोगों को पानी पिलाने के लिए टैंकर से सप्लाई करवाने की व्यवस्था करवाता हूँ। नहीं नहीं होंगे इस तरह से परेशान, वसूली जैसे इकट्ठी हो जाती है बिल जमा करके कनेक्शन जुड़ जाएगा। और मैं संबंध में ग्राम पंचायत के सरपंच से सेक्रेटरी से बात करता हूँ कि जब तक अगर कनेक्शन कटा हुआ है जब तक लोगों को पानी कैसे मिले इसके लिए टैंकर की व्यवस्था करवा। ये बात बिल्कुल सही है, पहले पूर्व में जो योजना थी जो इस विभाग के पीएचई विभाग के अधिकारी आए थे उन्होंने हैंडओवर सरपंच को स्कीम की थी, लेकिन सरपंच के द्वारा लिख के दे दिया गया था कि हमें ये योजना नहीं चलाना है। स्कूल का बिजली का बिल उनका भी बकाया था, इसलिए समिति गठित की गई थी, ये इसकी व्यवस्था मैं देख रहा हूँ। उस समय सरपंच कौन थे जिनने लिख के दिया था? उस समय सरपंच पूर्व के सरपंच जो थे उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट।